हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जय हिंद। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बेटे, हम लोग बात कर रहे थे आपका वेलो, बहुत कुछ बात हो गई थी। ये मुझे लग रहा है काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है और हम लोग अपनी बातों को छोटी छोटी बातों से क्लियर करते करते आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर, ये क्या, ये तो मतलब एक एक 5-5 मिनट बाद बताने वाली चीज़ है। यस, मैं मानता हूँ कि ये 5-5 मिनट में है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत मजा हुआ खिलाड़ी हूँ और कम से कम बहुत दिनों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि बच्चों में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। यदि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो यही सब छोटी छोटी बातें उनको नहीं आती, इसलिए उनको क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग स्पीड की बात कर चुके थे, वेलोसिटी की बात कर सके चुके थे, आज हम लोग किसकी बात करेंगे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस, एवरेज। एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बात करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अच्छा, ध्यान से समझते हैं ना, ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल, यहाँ से ये क्या है, ये पॉइंट ए है और ये लखनऊ है और ये पॉइंट बी है और ये क्या है, दिल्ली है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, और मान लो ये लखनऊ इधर लिख दे रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ से ये 400 किलोमीटर है और ये मान लो 300 किलोमीटर है और यहाँ पे मान लो कि मैं 8 AM को चला और यहाँ 4 PM पहुँच गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, एक तो ये हो गया और एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, या ऐसे लिख दे रहा हूं, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और
ये डिस्टेंस एल वन है, ये डिस्टेंस एल टू है, ठीक है। यहां टाइम टी वन है, यहां टाइम टी टू है। अब क्वेश्चन, पहला डिस्टेंस क्या है? ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना, मैं कौन से पाथ से आया? इस पाथ से मैंने आया, कौन से पाथ? ये पाथ। मैं कौन से पाथ से आया? इस पाथ से आया, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 400 किलोमीटर। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 300 किलोमीटर। तीसरा, एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या होगा? मैं 8 बजे चला था, 4 बजे आया, मतलब मुझे कितना टाइम लगा? तो 8 4 12 4 4 8, कितना? 4 8, तो हो जाएगा 400/8, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी, कितना? 300/8, तो ये कितना? जो भी आएगा, मतलब मुझे लग रहा है कि 8 3 24 3 point something किलोमीटर पर आवर आएगा। थर्टी किलोमीटर समथिंग आएगा। अच्छा, इसमें देखो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ एल वन एल टू। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ये यहां से ये दूरी होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट ये मान लिया एस, क्या? तो डिस्प्लेसमेंट टोटल लेंथ कितना है? ये टोटल लेंथ है L, और ये टोटल लेंथ कितना है? L2। तो कितना हो जाएगा? L2 माइनस L1। अच्छा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन टाइम कितना? T1 कितना था? T2। तो T2 माइनस T1। और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, एवरेज स्पीड चाहे वेलोसिटी की बात किया जाए तो ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब S वेक्टर S, ऐसे लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर S अपॉन डेल्टा T, चाहे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतना दूर तक आप करिए। अब मैं इसी पे कुछ बात करूंगा, और इतना शानदार बात करूंगा कि आप लोग समझेंगे कि अरे ये क्या है, करने को तो मैं भी क्वेश्चन कर लिया, लेकिन क्या रियली में मैं सब कुछ जानता हूं क्या? क्या मैं छोटी छोटी बातों को जानता हूं क्या? तो पहला मेरा क्वेश्चन यही मैं बताना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एवरेज? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एवरेज? ध्यान से सुनना, हालांकि नो डाउट, एकदम 100% डाउट नहीं है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल अगर जो मिलेगा
तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आप मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बहुत अच्छे से बताऊं कि एवरेज का मतलब क्या है। मैं बताया ना कि शुरुआत के 3 से 4 लेक्चर आप अच्छे से देख लिए तो लगभग 80% फिजिक्स से जो थियरी आती है, जो कंसेप्ट आता है, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग क्या समझेंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना। एवरेज अगर जो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एवरेज बोल रहा हूं, तो इसका ये मतलब निकलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी उस पूरे टाइम इंटरवल में कांस्टेंट माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो एवरेज का मतलब, और एवरेज बहुत आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज मूवमेंट, एवरेज फोर्स आएगा, एवरेज करंट आएगा, एवरेज पावर आएगा, एवरेज ईएमआई आएगा, तमाम तरीके से फिजिक्स में डिफाइन चीजें होंगी। तो आपको एवरेज समझने की मतलब है क्या, मैं बताया एवरेज का मतलब क्या है, हिंदी में लिख लेना या जैसे भी। एवरेज का मतलब होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी को एवरेज निकालते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि पूरे टाइम इंटरवल के बाद केस में वो फिजिकल क्वांटिटी की वो वैल्यू जो कांस्टेंट है चेंज नहीं हुई। मतलब एवरेज का रियल में मीनिंग क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है। मैं बोलूंगा कि मेरी एवरेज स्पीड P पे कितना है, तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूंगा मेरी एवरेज स्पीड Q पे कितना है, तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पावर। मैं बोलूंगा कि R पे कितनी है, तो 50 किलोमीटर पावर, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या मैं दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली चला हूंगा, तो क्या मेरी स्पीड हर जगह कांस्टेंट रही होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं मैं खाना खाने के लिए रुका होगा, कहीं बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की मिल गई होगी तो धीरे धीरे चलाया होगा, कहीं ऐसी लड़की मिली थी जो बहुत सुंदर थी, स्कूटी से जा रही थी, तो मैं और धीरे धीरे चलाया, कहीं और भी चीजें हुई होगी, कहीं कोई मुझे लड़की छेड़ी होगी तो मैं और स्पीड चलाया होगा। अच्छा सर, आपको लड़कियां छेड़ती हैं, क्या बात है। हाँ छेड़ती हैं, मुझे छेड़ती हैं, पता नहीं क्यों छेड़ती हैं। इट मे बी हैपन दैट आई एम सो स्मार्ट। लीव इट, कम टू द टॉपिक। कहने का मतलब, कहीं मैं रुका होगा, कहीं कम स्पीड किया होगा, कहीं ज्यादा स्पीड किया होगा। तो ये एवरेज स्पीड क्या है यार? तो एवरेज स्पीड मैं क्या मानूंगा कि पूरे जर्नी के दौरान, पूरे टाइम, जब लखनऊ से दिल्ली में 12 घंटा चला, कितना 8 घंटा चला, पूरे 8 आवर में मेरी स्पीड क्या रही होगी, कांस्टेंट, क्या रही होगी, कांस्टेंट। अच्छा सर एक बात बताइए, ठीक है ये ऐसा झूठ मूठ की चीजें तब हम लोग कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं एवरेज का कंसेप्ट, क्यों एवरेज मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, क्यों, क्यों, व्हाट, व्हाई वी नीड एवरेज। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे तुम बोले कि अच्छा दिल्ली से आ गए क्या लखनऊ, दिल्ली में कोई पूछा अरे आ गए क्या लखनऊ से, हाँ यार आ गए, अरे यार आज तो बहुत भीड़ थी, कितना स्पीड रहा होगा, तो मैं बोलूंगा कि वही 40
40 किलोमीटर पर हर रहा होगा, तो रियल में वो मैं क्या बताया, एवरेज बताया। क्या बताया? एवरेज बताया। हालांकि क्या मेरी स्पीड 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर हर रही होगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो एवरेज से क्या होता है, मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है एग्जैक्ट का। एवरेज से एग्जैक्ट का लगभग सेम आइडिया मिलता है। क्या मिलता है? सेम आइडिया मिलता है। याद करो तुम लोग, याद करो कि चाहे इसी को मीन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मीन, वो बहुत इशू नहीं है। याद करो जब मैं तुम लोगों को एरर एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, तो मुझे, मैं बोला था कि ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग किसी का पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी, बहुत ढेर सारा नंबर ऑफ वेरिएशन होगा, तो उसका जो एवरेज निकालेंगे वो ट्रू वैल्यू के लगभग एग्जैक्टली सेम होगा। इसका मतलब एवरेज क्या नीड देता है, क्या समझ जाते हैं कि एवरेज वैल्यू जो हो रही होगी वो ट्रू वैल्यू के लगभग नजदीक रहा होगा। अगर जो मैं बोला हूंगा कि मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही होगी, तो लगभग ट्रू वैल्यू से, मतलब उससे क्या रहा होगा, नजदीक रहा होगा। दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज जो वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से लगभग मैच करती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये कहानी हुई एवरेज की। एवरेज का मतलब क्या, कि मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर एवरेज वैल्यू मान रहा हूं, तो पूरे टाइम इंटरवल में वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। हालांकि रियली में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है। पूरे अच्छे से लिखना, पूरे अच्छे से लिखना तुम लोग, पूरे अच्छे से लिखना। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द गिवेन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, अच्छा, टाइम इंटरवल, अच्छा सर, और कुछ समझ जाइए सर। बिल्कुल समझाता हूँ सर। देखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है ना। ये सुनो, मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों के लिए वैलिड है। मैं इसलिए वेलोसिटी की बात ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी का कहीं ना कहीं बात कर रहा हूं, तो मैं स्पीड की भी बात कर रहा हूं। जब मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कर रहा हूं, तो उसमें मैग्नीट्यूड स्पीड वाला पोर्शन कवर करेगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजिशन, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम इंटरवल। अच्छा सर, ये इतना जल्दी, ये इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, किसी भी, अब वेलोसिटी पे बात करूंगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी जनरल बात नहीं करूंगा। अगर जो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो बिल्कुल पोजिशन का चेंज होना मस्ट है। पोजीशन का चेंज होना मस्ट है, पोजीशन का चेंज होना मस्ट है। अच्छा, अगर जो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, तो टाइम का चेंज होना भी क्या है, मस्ट है। टाइम का चेंज होना क्या है, मस्ट है। मतलब टू फाइंड द एवरेज
वेलोसिटी देयर मस्ट बी चेंज इन टाइम, देयर मस्ट बी चेंज इन टाइम, देयर मस्ट बी चेंज इन टाइम। सर आप इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग एक और चीज पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ये हो गया क्या? मैं मिटा दूं। अच्छा फिर क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है मूवमेंट, या इसको और बोलते हैं तो क्षणिक, या इसी को क्या बोलते हैं? पल ना, पल। अब कुछ और समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो लिखवाने को तो लिखवा सकते हैं। क्या लिखवा सकता हूं? वेलोसिटी एट एनी मूमेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा अब ध्यान से सुनना तुम लोग, ध्यान से सुनना। अगर जो मैं बोलूंगा इस फिगर के, मैं ये पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एट 10 AM? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि 10 बजे कार की वेलोसिटी क्या रही होगी। सोचिए आप लोग सोचना शुरू कीजिए कि हम लोग 10 बजे कार की वेलोसिटी क्या रही होगी। आप लोग बताइए, नहीं बता सकते? क्यों भैया, क्यों नहीं बता सकते? तो सही बात है, रियल में आपको मालूम होगा कि नहीं, 10 बजे कार की वेलोसिटी नहीं बता सकते। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, एकदम बड़ा स्टेटमेंट, अगर जो मैं बोलूं कि 10 बजे उस कार का वेलोसिटी क्या होगा, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि 10 बजे एग्जैक्टली हम लोग कार का वेलोसिटी नहीं बता सकते। अच्छा सर ये क्यों? ध्यान से, आंसर क्या है? मीनिंगलेस। वी कैन नेवर गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट 10 AM। अरे सर ये क्या बात कर दिए, बिल्कुल सही बात किए। और कैसे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से। अभी मैं बताया था कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसी को मैं ये भी बोल सकता हूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
या वेलोसिटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समझो, समझने का है। हाँ, अगर जो मुझे वेलोसिटी या कुछ भी बताना होगा, कुछ भी बताना होगा, तो उसमें टाइम का चेंज होना जरूरी है, टाइम का चेंज होना जरूरी है। और आप जब 10 एएम कह रहे हैं तो 10 एएम तो एक एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब उस समय टाइम का चेंज हम लोग क्या मान रहे हैं, जीरो। और जब टाइम का चेंज जीरो मान रहे हैं तो क्या हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब, क्या किसी भी चीज का एक इंस्टेंट में वेलोसिटी रियली में कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर तब ये क्या लिखवा दिए, इंस्टेंट वेलोसिटी एट एनी मोमेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चाहे इंस्टेंट बोलते, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कैसे करूंगा? तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं बोलूंगा कि 10:01 और 10:01 पीछे, 10:01 में के आगे और 10:01 में पीछे जो वेलोसिटी होगी वही 10 पे होगी। फिर से मैं बोलता रहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझना है। मैं बोलूंगा कि अरे यार एक काम करो कि 10 तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन 10 के मतलब 10:01 कम और 1 ज्यादा, तो टाइम इंटरवल 2 का हुआ। टाइम इंटरवल उस समय जो उसका उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उससे डिवाइड कर दोगे तो उसकी स्पीड 10 आ जाएगी। तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये तो बात नहीं हुआ, क्योंकि वो 10:01 में भी उसकी स्पीड थी और इसमें 10:09:59 पे होगी। मतलब क्या मुझे एग्जैक्टली मिला? नहीं मिला। अच्छा एक काम करो, 10:01 पहले जो स्पीड रही होगी और 10:01 एक सेकेंड बाद जो एक स्पीड रही होगी उसको 10 मान लो। तो कहेंगे हाँ सर थोड़ा सही तो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्टली 10 आप नहीं बता पा रहे हैं। व्हाट आई वांट टू से, मतलब मुझे टाइम इंटरवल तो चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए। या तो मैं 1-1 का टाइम इंटरवल लूं, मतलब 10:01 और 10:09:59 का, या मैं 1 का टाइम लूं, मतलब 10:00:01 और 9:59। ये लूं तो इतने टाइम इंटरवल में जो स्पीड रही होगी उसको 10 मान लेंगे, बिल्कुल सही मान सकते हैं। तो कुछ बोला नहीं सर, फिर भी तो 1 का आपका फासला है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो आप एग्जैक्ट बता पाए क्या? नहीं बता पाया। बात समझिए, पूरे अच्छे से समझिए, खूब अच्छे से बस। इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको समझा दूंगा, फील करवा दूंगा, फील करवा दूंगा। कहने का मतलब, अगर जो मुझे किसी भी वेलोसिटी, अगर जो वेलोसिटी निकालना है, या इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चाहे इसी को मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमली, याद रख लो इनफाइनाइटेसिमली, मतलब सबसे सबसे कम टाइम इंटरवल, सबसे कम टाइम इंटरवल, सबसे कम टाइम इंटरवल। अच्छा समझते हैं। तो सर सबसे कम टाइम इंटरवल, तो आप तो पहले 1 लिए, मुझे नहीं जमा,
फिर आप एक सेकेंड लिए फिर भी नहीं जम रहा है, फिर नैनो सेकेंड लिया फिर भी नहीं जमा, नैनो में 10^9 माइक्रो ले लिया, मिली ले लिया, मिली मतलब एक सेकेंड का 1000 पार्ट। अरे भैया ये सब नहीं आ रहा है क्या? मिली एमएम 10^-3 मतलब 1/1000 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 1000वां पार्ट ले लिए और उस टाइम इंटरवल में आप निकाल लीजिए तो जो स्पीड होगा, मतलब रियली में मैं ये कहना चाहता हूं एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं बता पाया, लेकिन जो मैं 1 मिली सेकेंड के गैप में मतलब 1 सेकेंड का 1000 पार्ट 1/100 1 सेकेंड का 1/1000 पार्ट उसके टाइम इंटरवल में जो स्पीड निकालूंगा वो लगभग एग्जैक्टली 10 AM के बराबर होगा, ये मैं बताना चाह रहा था। और यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बराबर। तो सर आप ये कह रहे हैं पहले 1 मिनट लिए, फिर उससे कम 1 सेकेंड लिए, फिर उससे कम मिली सेकेंड लिए, फिर उसके सम नैनो सेकेंड ले लिए, लेकिन सबसे कम क्या होता है? तो मुझे नहीं मालूम, सबसे कम क्या होता है मुझे नहीं मालूम। जिस दिन कोई भी चीज अगर जो ये जान गया कि सबसे कम क्या होता है, उस दिन मैथ खत्म हो जाएगा, उस दिन फिजिक्स के सारे लॉ खत्म हो जाएंगे, उस दिन पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। जिस दिन हमें ये पता चल गया कि सबसे कम समय क्या होता है ये बिल्कुल पता नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या कर सकते थे? फिर क्या कर सकते? तो मैं क्या कर सकता, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये है तो एवरेज वेलोसिटी ही, है तो एवरेज वेलोसिटी ही, लेकिन कब? जब डेल्टा टी टेन टू क्या हो? जीरो हो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, कहने का मतलब हम सबसे कम कम टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप वो टाइम मान लीजिए जो लगभग जीरो के बराबर हो, लगभग जीरो के बराबर हो। जीरो हो जाएगा तब तो इसका पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एट वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और शॉर्ट टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं? डी टी। क्या? डी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी टी, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग नॉर्मली वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर जो कोई भी चीज कोई भी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो उनको स्पेशली पूछना पड़ेगा कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। तो दिस इज हाउ आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू दैट वॉट इज द रियल ऑफ एवरेज, वॉट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस। समझ में आया? एवरेज का मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग होल टाइम इंटरवल में क्या मानते? कॉन्स्टेंट मानते। इंस्टेंटेनियस, अब वो आएगा आपको इंस्टेंटेनियस करेंट आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर आएगा, कई तरीके की चीजें आएंगी, तो आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आना चाहिए। इट इज दैट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल। मतलब ये रियल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी ही है, एवरेज वेलोसिटी है जब टाइम इंटरवल बहुत बहुत कम है। इसलिए एग्जैक्ट टाइम पे किसी की वेलोसिटी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए टाइम इंटरवल का होना जरूरी है, टाइम का चेंज होना जरूरी है।
अगर जो टाइम का चेंज जीरो हो जाएगा, अगर जो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी अगर जो जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, कैन नॉट डिफाइन। तो सर एक बात बताइए, तो अभी तक तो हम लोग तब इसका मतलब आज तक भी हम लोग उसको एग्जैक्टली 10 AM तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, लेकिन तब हम लोग क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों मान लेते हैं? इसलिए मान लेते हैं कि ये टाइम इंटरवल इतना इतना कम होता है कि उतने कम टाइम इंटरवल के फर्क होने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ता भी नहीं है। आप ही सोच लीजिए, अगर जो पूछता है कोई घड़ी में कितना टाइम है, तो आप बोलेंगे 10:30 बज रहा है। रियली में उसमें 10:30 बजता रहता है क्या? उसमें सेकंड की सुई को आप लोग काउंट करते हैं क्या? तो जब हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में एक सेकंड को इग्नोर करते हैं, तो क्या हम लोग फिजिक्स के लाइन में एक सेकंड को इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और वही एक सेकंड इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अगर जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो मैं बोलूंगा V instantaneous at 10 AM is equal to 4 meter per second, इसका मतलब ये समझना होगा कि ये स्पीड 10:59:59 9:10:01 में रहा होगा, और 9:59:59 पे रहा होगा। मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना रहा होगा, एक सेकेंड, और एक सेकेंड के चेंजमेंट को हम लोग बड़ा चेंज नहीं मानते हैं, हम लोग जनरल लाइफ में इग्नोर करते हैं। कोई सोचो, कोई तुमसे घड़ी टाइम पूछता है तो क्या तुम सेकेंड को देखते हो? मुझे तो पता भी नहीं चलता कि सेकेंड सुई का काम क्या होता है, कभी उस बेचारी को कोई देखता तक नहीं है, देखता तक नहीं है। तो ये कहानी आपको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक्चुअली मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी लेस, और उसी को वेरी वेरी लेस को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, इनफाइनाइटेसिमली। इसीलिए मैं तुमको उस द डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था। तो ये कहानी पूरी की पूरी हो गई। अच्छा, अच्छा, अब कुछ हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन लिखिए। इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता? सोचो, सोचो, मैं बता रहा हूं 95% लोग, तुम लोग क्या सोचे होगे? यस, क्या सोचे होगे? यस, शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, आप लोग सोचेंगे यस, बट योर आंसर इज रॉन्ग। Displacement cannot be equal to distance. Why? Because displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. तो लिखिए इस बात को, लिखिए आप, लिखिए displacement can never be equal to distance because displacement is a vector quantity, because displacement is a vector quantity, जबकि distance क्या है? Scalar quantity.
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इज मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। यस यस यस, जैसे ये पाथ है, ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये पाथ मान लो ऐसे गया, ये पाथ ऐसे गया, ये पाथ ऐसे गया, ये मान लो एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकेंड है, ये पाथ थर्ड है। तो अगर जो मैं यही पाथ चूज करूंगा, मैं अगर जो यही पाथ चूज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, इन दोनों का, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तभी बराबर होगा जब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे और एक ही डायरेक्शन में मूव करे। यस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? एस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड यूनि डायरेक्शन। एंड यूनि डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन डज नॉट चेंज। अभी बताता हूं, फील करवाता हूं, फील करवाऊंगा आपको। अगर जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये यहां तक नाइन्थ क्लास में हम लोग यहां पढ़ते हैं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ये गलत है, गलत है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मान लो मैं यहां से यहां आ गया सी पॉइंट, और मान लो ये 4 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, और ये मान लो, सॉरी, ये मान लो ये 8 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, और मैं कहां से कहां गया, पाथ ए बी सी गया, पाथ ए बी सी गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस आपका हुआ 11 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हो गया 8 माइनस 3 मतलब 5 किलोमीटर। तो देखो इसमें भी तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन किया है, इसमें भी तो ऑब्जेक्ट जो कार है, मान लो यहां पे कार है, तो इसमें कार स्ट्रेट लाइन में मोशन की है, लेकिन क्या यहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं यस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड यूनि डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन डज नॉट चेंज, मतलब यहां से यहां तक अगर जो चला होता तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ये एग्जाम्पल बहुत लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, क्या देख लूँ टाइम, देख लूँ टाइम से क्या लेना देना, पढ़ाऊंगा ही। हाँ ध्यान से सुनिएगा, तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे और डायरेक्शन चेंज ना हो, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे और डायरेक्शन चेंज नहीं हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, तो लिख लीजिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकता हूं, मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं। ये बताया था ना,
डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या इसी को क्या लिख सकते हैं, s इज लेस देन इक्वल टू d, s इज लेस देन इक्वल टू, ये मॉड साइन क्या इंडिकेट करता है, मॉड साइन इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, s इज इक्वल टू d कब, वेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड यूनी डायरेक्शन। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से छोटी ही रहेगी। अच्छा, अब एक और इससे एक और कंक्लूजन निकला था, एक तो कंक्लूजन ये निकला, दूसरा क्या कभी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है, नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। पहला, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कब बराबर होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करा है यूनिडायरेक्शन, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी डिस्प्लेसमेंट से लेस देन नहीं होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता कभी। मतलब ये देखिए, ये पाथ है, ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जाना है, या ये पाथ है, या कैसे ऐसे पाथ है, तो कभी भी डिस्टेंस सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, जब इतनी बात आ गई तो ये भी तो बात समझ जाइए, यहाँ अगर जो ये दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये भी हो सकता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मिटाता हूं। अब और कुछ बात कर सकते हैं चाहेंगे तो, क्या बता रहा था, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। एक होमवर्क आपके लिए मैं दे देता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है।
ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मार्कर भी जवाब दे चुका है, आप लोग समझिएगा। इसमें क्या है, ऑन इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस इन ऑन इक्वल टाइम इंटरवल, सॉरी इट माई मिस्टेक, इसको ध्यान में रखेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब ये समझो, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ये याद रखेंगे इन होल जर्नी, ये याद रखेंगे। और ये वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। और एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा, ये होमवर्क आपके लिए है, राइट फाइव डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, पहला, दूसरा वेलोसिटी एंड स्पीड। ऑफ कोर्स आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, उसको सुनिएगा। कॉपी में पांच वो नाइन्थ क्लास का ये सब कुछ है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, वेलोसिटी और स्पीड में सारा कुछ पढ़ा दिया हूं। आप लोग चाहेंगे तो नोट्स से भी लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आई थिंक इट इज सफिशियंट इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम टू द सम मोर टॉपिक, और चाहेंगे कि कुछ और टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करें, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और खूब नोट्स को, वीडियो को खूब देखिए, कम से कम दो दो बार देखिए, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।